माता, ये अच्छा किया आपने, कच्ची मिट्टी के दिए बनाए हैं। ये शीघ्र ही गंगा जी के पवित्र जल में घुलकर गंगा जी में समा जाएंगे, जिससे ये जल दूषित भी नहीं हो पाएगा। दीप दान महादान, जब तक पवित्र गंगा में दीप प्रज्वलित करके प्रवाहित ना किया जाए, तब तक गंगा पूजा पूर्ण नहीं होती। हाँ देवेश्वरी, ये प्रज्वलित दीप उस श्रद्धा के प्रतीक हैं, जिसकी ज्योति भक्तों के हृदय में प्रभावित होकर उन्हें धर्म के आलोक से प्रकाशित करती है। इस वानर के कारण राम की गंगा पूजा सफल हो गई, किंतु गया पूजा सफल नहीं हो पाएगी। ये वानर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं स्वयं राम की पूजा भंग करूंगा। असुर अवश्य पीछा कर रहे होंगे हमारा। पुत्र राम, यह है गयापुरी। यही बाजकोश के क्षेत्र में गयासुर लेट गया था, और यहीं से पवित्र फल्गु नदी प्रवाहित होती है। गयासुर के तप से पवित्र हुई गया तीर्थ की इस धरा को हमारा नमन। इस वानर को वश में करना तुम सबके सामर्थ्य से बाहर है राक्षसों। उस मरकट को मैं संभाल लूंगा, इसी मध्य में तुम सब मिलकर ये राम की पिंडदान पूजा को असफल करोगे। अब देखता हूं मैं तुम्हें मरकट कि तुम कैसे राम की सहायता कर पाते हो। अभी तो भले ही वो दानव दिखाई नहीं दे रहे हैं, किंतु उन्होंने जो कहा था वो मुझे स्मरण है। मुझे पूर्णतया सतर्क रहना होगा। मरकट, अब चाहे तुम सजग रहो, सतर्क रहो या सावधान, होगा वही जो मैं चाहूंगा, केवल मैं।
पूर्णतः सावधान रहूंगा। उन अधर्मी असुरों को मैं यहां कदापि नहीं आने दूंगा। ये कैसी हलचल है? क्या हुआ हनुमान? प्रभु, मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे से कोई प्रणाम। आप अवश्य ही यहां पिंडदान करने आए हैं। मैं पुजारी गौ माता और अपने शिष्यों के साथ आपके इस कार्य को विधि पूर्वक संपन्न कराने में आपकी सहायता करूंगा। पुजारी जी, पुत्र राम, राजा हो या रंक, गया की इस पावन धरा पर अपने पूर्वजों की मुक्ति और तृप्ति का आशय रख दूरस्त स्थानों से सभी पिंडदान के पुण्य कर्म के लिए आते हैं। उनकी सेवा सहायता के लिए विधि विधान से ज्ञाता पुजारी गौ माता के साथ प्रकट हो जाते हैं। अब जब पुजारी जी ही उपलब्ध हैं, तो हमें पिंडदान की विधि प्रारंभ करनी चाहिए। राम द्वारा पिंडदान किसी भी अवस्था में पूर्ण नहीं होना चाहिए। पुजारी गो काग, यहां तक कि फल्गु नदी का जल प्रवाह दूषित कर दो सभी को। कुविचार जागृत करो उनमें। उस मरकट की चिंता मुझ पर छोड़ दो। उसे भटका कर मैं यहां से कहीं दूर ले जाऊंगा। सामग्री है और सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। पिंड बनाने के लिए आवश्यक काले तिल से युक्त ये चावल मैं तैयार कर लेती हूँ। हे गंगा मैया, आपके पवित्र जल के छिड़काव से हम हवन विधि प्रारंभ करते हैं। ओम गंगाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम अग्नियाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम अग्नियाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम गंगाय नमः। अब इस कुशा से मैं स्थान को निर्गुण बनाता हूं। पितरों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ की जाने वाली इस पिंडदान की क्रिया में कुशा का विशेष महत्व है। मायावी आसुरी शक्तियों की उपस्थिति का आभास हो रहा है मुझे। मेरा अनुमान अनुचित नहीं था। इस धर्म कार्य में बाधा डालें, वो यहां प्रत्यक्ष रूप में पहुंच चुके हैं।
फल्गुनी माता। आपके पावन तट पर आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। मेरे तट पर आपके आगमन से धन्य तो मैं हुई हूँ प्रभु। जब तक आपके द्वारा पिंड दान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती मैं स्वयं यहाँ रहूंगी। प्रभु अब आप हवन अग्नि प्रज्वलित कीजिए। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वास्थाम गतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाभ्यांतरम शुचिः। पुनः पुंडरीकाक्षम पुनः पुंडरीकाक्षम पुनः पुंडरीकाक्षम। ओम अग्निदूतम पुरोदधे ओम अग्निदूतम पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसाद्याहदिः। ओम अग्निदूतम पुरोदधे। मार्कट अब मैं तुम्हें वहां से हटकर यहां आने पर बाध्य कर दूंगा और मेरे राक्षस सेवक वहां पर अपना कार्य करेंगे। किसी मायावी शक्ति ने मुझे प्रभावित करने का प्रयास किया। मेरी इतनी प्रभावी शक्ति को इतनी सहजता से छेल लिया इस मरकट ने अति बलशाली प्रतीत होता है। अपनी योजना पूर्ण करनी है तो उसे यहां से दूर ले जाना होगा। तो यही है वो दुष्ट जो यहां पर व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। प्रतीत होता है कि ये मूर्ख वानर फंस गया है मेरे जाल में। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वास्थाम गतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाभ्यांतरम शुचिः। पुनः पुंडरीकाक्षम पुनः पुंडरीकाक्षम पुनः पुंडरीकाक्षम। ओम अग्निदूतम पुरोदधे। इसी मरकट ने मेरे चचेरे भ्राता अक्ष कुमार का वध किया था। मेरे पिता के साथ छल कर सुग्रीव को छुड़ाया। इसे साधारण समझने की भूल नहीं करनी चाहिए मुझे। यहां से दूर ले जाना ही होगा इसे। इस बार मैं तुमको बचकर नहीं जाने दूंगा दुष्ट असुर। दोनों भोजन ग्रहण कीजिए। पुजारी जी हमारी पूजा विधिवत संपन्न करने के लिए ये दान स्वीकार कीजिए। अवश्य।
अब हमें अपना कार्य करने से कोई नहीं रोक सकेगा। जय श्री राम। उधर क्या देख रहे हो वानर? यहां देखो, तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं मैं। तुम्हारे समक्ष है क्या यहाँ कोई अदृश्य शक्ति? नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? अभी नहीं, सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी हमें। अगली पूजा के लिए आप और आप सब अनुज भ्राता पिंड का निर्माण करें और उन्हें इस कुश पे स्थित करें। अपने पितरों को सद्गति दिलाने हेतु, उनको प्रेत योनि से मुक्त कराकर उनका परमात्मा से समागम कराने हेतु हम पिंडदान कर रहे हैं। या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाभ्यांतरम शुचिः, पुनः पुंडरीकाक्षम, पुनः पुंडरीकाक्षम, पुनः पुंडरीकाक्षम। ओम अग्निदूतम पुरोदधे, ओम अग्निदूतम पुरोदधे, हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसाद्याः देह। पूर्वजों को पिंडदान करने के पूर्व कागबली की विधि पूर्ण करने के लिए एक छोटा पिंड कौओं को समर्पित करना चाहिए। हो तुम और मेरे प्रभु की पूजा में व्यवधान क्यों डालना चाहते हो? पूजा ही नहीं, मैं तो राम नाम के अस्तित्व को ही नष्ट करना चाहता हूं। मैं तो राम नाम के अस्तित्व को ही नष्ट करना चाहता हूं। अतुलित शक्ति संपन्न हो तुम, परंतु जो भी हो, अपने जन्म से जिस योजना को मैं कर रहा हूं उसे सफल होने से कभी नहीं रोक सकोगे तुम। के द्वारा दान किया हुआ भोजन शोभा नहीं देता, जो खाना है छीन के खाना। किस योजना की चर्चा कर रहा है ये अर्जुन? क्या प्रमाणित करना चाहता है और क्यों? कौन है ये? पिंड दान पूर्वजों के प्रति सम्मान है, इससे हमें पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है कि हम उचित कर्म कर सकें और धर्म का अनुसरण कर सकें।